अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे शहतूत हैं जो झाड़ के पके हुए हैं। हम एक कप शहतूत लेंगे मलबेरी, इसमें 1/4 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। थोड़ा इसको अच्छे से क्रश बना लेंगे पूरे शहतूत का। डालेंगे जार के शहतूत। ये पूरे शहतूत का इस तरह से हमने क्रश बना लिया है। अब हम इसको थोड़ा साइड में रखेंगे। अब हम व्हिप क्रीम, 1 कप व्हिप क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लेंगे। इस तरह से स्टिफ होने चाहिए। देखिए, ये गिर भी नहीं रहे, इस तरह से होने चाहिए। अब एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में व्हिप क्रीम लगाएंगे, हाफ व्हिप क्रीम डालेंगे। और इसमें जो हमने क्रश बनाया है वो क्रश लगाएंगे, शहतूत का क्रश। ये हल्का सा शहतूत का क्रश लगा लेंगे। फिर इस पर बची हुई व्हिप क्रीम डालेंगे। इस तरह से 2 लेयर हो जाएंगे व्हिप क्रीम के। ये व्हिप क्रीम अब इस सेकंड व्हिप क्रीम के लेयर पर भी थोड़ी सी क्रश लगाएंगे। बचा हुआ पूरा क्रश हम इस पर लगा देंगे। अब इसको अच्छे से कवर कर लेंगे और फ्रीजर में 8 आवर्स के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ ओवरनाइट रख दिया है। देखिए, इस तरह से हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही यम्मी और बहुत ही सॉफ्ट है। अल्लाह हाफिज़।